राज ठाकरे के करीबी नेता पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे के करीबी संदीप देशपांडे पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, इसी दौरान उन पर अटैक किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदीप देशपांडे पर शिवाजी पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान हथियारों से हमला किया गया है। घायल अवस्था में संदीप को आनंद फानन में हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उन पर चार लोगों ने हमला किया था। जानकारी के मुताबिक सुबह चार नकाबपोश आए और उन्होंने लाठी डंडों से संदीप देशपांडे पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। इस दौरान उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इस अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संदीप देशपांडे की राजनीति की शुरुआत शिवसेना के छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी सेना से हुई थी। उस वक्त विद्यार्थी सेना का काम राज ठाकरे देखा करते थे। उन्होंने कॉलेज के चुनाव में संदीप देशपांडे को मौका दिया और जीत भी गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले में देशपांडे को मामूली चोटें आई हैं और वह खतरे से बाहर है। अधिकारी ने कहा कि अज्ञात लोगों ने एमएनएस नेता देशपांडे पर शिवाजी पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्टंप से हमला किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी पार्क में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।